बिल्कुल, आप देखें पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, चाहे आप देश की सरकार की बात करें, जगह जगह जिला स्तर पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और लोगों को समझाया जा रहा है कि कांग्रेस जिस तरीके से आपको गलत भ्रम फैला रही है और ऐसा नहीं है, ये देश में कानून जो वो नागरिकता छीनने के लिए नहीं बनाया गया, जिन लोगों ने देश में घुसपैठ करी है और नेशनल जो हमारा ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है उसमें ये पूरे दुनिया के देशों ने अप्लाई किया है। कोई भी देश, यदि हमारे घर में आज हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे घर में कोई पर्सन आकर के बोलता है कि जी हमें आपके घर में रहना है, तो हम उसे अलाउ नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से देश में चाहे वो कोई भी घुसपैठी है उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार इसी पक्ष में अपने बयान दे रही है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक बार भी ये बयान नहीं आया है। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि कांग्रेस देश से, देश में जो आए हुए घुसपैठी हैं उनका स्वागत करना चाहती है, जिसका कि मुस्लिम समाज कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसमें आप थोड़ा सा इस चीज़ को टेक्निकली आप समझने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस जो वो अपनी स्टेटमेंट में ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जो वो कांग्रेस दे रही है। एक और कांग्रेस ये बोल रही है कि देश का मुस्लिम जो वो खतरे में है। देखिए किस तरीके की गंदी राजनीति का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक और कांग्रेस बोलती है कि देश में अल्पसंख्यक समुदाय खतरे में है, लेकिन दूसरी और ये बोल रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को यहाँ पे नागरिकता दी जानी चाहिए जिन्होंने घुसपैठ करके जो लोग आए। आप इस चीज़ को समझें और लोगों को भी बताने का प्रयास करें कि यदि देश का मुस्लिम भारत में सुरक्षित नहीं है तो बाहर के लोग भारत में भारतीय नागरिकता लेने के लिए क्यों आएंगे। और रही बात हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं उसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, और नेहरू लियाकत जो समझौता हुआ था उसके अकॉर्डिंग भी हम लोगों ने भी अल्पसंख्यक समुदाय को रक्षा करनी है। और अल्पसंख्यक जो है पाकिस्तान में अल्पसंख्यक जो है वो हिंदू सिख ईसाई हैं, आई थिंक मुसलमान वहाँ पे उन्होंने अपना राष्ट्र धर्म जो वो मुस्लिम घोषणा किया हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई मुस्लिम जो है वो भारत में नागरिकता लेने के लिए पाकिस्तान जैसे इस्लामिक देश को या बांग्लादेश जैसे जो कि इस्लामिक देश अपने आप को मानते हैं, भारत एक सेकुलर देश है परंतु उन्होंने अपना इस्लामिक कंट्री अपने आप को डिक्लेयर किया हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुस्लिम वहाँ से नागरिकता लेने के लिए कम से कम भारत में आएगा।